किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धान कटाई के बाद अब कौन सी फसल ली जाए। इसके लिए कुछ किसान भाई खरीफ सीजन में धान बोने के बाद रबी सीजन में भी यानी गर्मी में भी धान की बुआई करते हैं, और कुछ किसान जो है पानी की कमी होने के कारण धान कटाई के लगभग 15 दिन पूर्व ही उतेरा फसल के रूप में सरसों या अलसी वगैरह या मटर वगैरह का बुआई कर देते हैं। इसके अलावा कुछ किसान भाई दलहनी फसल जैसे चना मटर उड़द मूंग या मसूर इत्यादि की बुआई करते हैं, और कुछ किसान भाई जो है सीरियल क्रॉप में जैसे कि गेहूं या मक्का वगैरह की बुआई करते हैं। इसके अलावा कुछ किसान जो है दलहनी फसलों का चयन करते हैं जैसे मसूर मटर मूंग इत्यादि या चना। तो आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि धान कटाई के बाद कौन सी फसल बुआई किया जाए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि पानी यानी सिंचाई की सुविधा, क्योंकि अक्सर बरसात के बाद जब हम कोई फसल को बुआई करने के बारे में सोचते हैं तो हमें यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है कि सिंचाई साधन, क्योंकि हमारे भारत देश में अधिकांश स्थानों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो और दूसरा चीज़ है जैसे कि खेत में मिट्टी के प्रकार, कहीं बलुई मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है, कहीं कन्हार मिट्टी है, तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जिस फसल को हम धान कटाई के बाद बोएंगे उसका जो है बाजार भाव एवं लेबर इत्यादि का व्यवस्था, ये सभी बातों को ध्यान में रखकर ही हमें रबी सीजन में फसल बुआई के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा पिछले सीजन में बोए गए धान के फसल की अवधि भी निर्भर करती है कि हम रबी सीजन में कौन सी फसल बोएं, क्योंकि यदि हम अधिक अवधि वाली धान की किस्में लगाए हैं तो उसका जाहिर सी बात है कि फसल कटाई भी लेट से होगा, वह लगभग 15 नवंबर के आसपास फसल की कटाई होगी। इसी प्रकार यदि हरूना धान यानी कि कम अवधि वाली धान लगाए हैं तो बहुत संभावना है कि फसल की कटाई लगभग 15-20 अक्टूबर के आसपास हो जाए। तो इस प्रकार हमें लगभग 25 दिन का समय एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इस प्रकार ये सब बातों को ध्यान में रखकर हमें विभिन्न फसलों एवं उसके किस्मों का चयन करना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं धान की। यदि खरीफ सीजन यानी वर्षा ऋतु के पश्चात यदि रबी सीजन में भी धान की बुआई की जा रही है तो सभी जानते हैं कि धान में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो यदि पानी यानी सिंचाई की पूरी व्यवस्था है तो किसान भाई फिर से धान की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा धान की खेती करने के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। अगर फायदे की बात करें तो वर्षा ऋतु की अपेक्षा रबी सीजन में धान की पैदावार अधिक होती है। इसके कुछ कारण होते हैं जैसे सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश प्रॉपर रूप से इस सीजन में धान के पौधों को मिलता है, और इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है जिससे प्रोडक्शन अधिक होता है। इसके अलावा कीट बीमारी का प्रकोप भी वर्षा ऋतु की अपेक्षा कम ही देखने को मिलता है, और इस प्रकार उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। साथ ही अगर इसके कुछ नुकसान के बारे में बात करें तो सबसे पहले है क्रॉप रोटेशन यानी प्रॉपर तरीके से फसल चक्र की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि बरसात में भी धान लगाया जाता है और रबी सीजन में भी धान का ही बुआई किया जाता है। क्योंकि यदि धान की फसल के बाद यदि कोई तिलहनी या कोई दलहनी फसल लगाया जाता है तो इससे मिट्टी की संरचना एवं दशा में सुधार होता है, क्योंकि ये दलहनी फसल नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है जो कि अगले फसल के लिए भी वातावरण में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाती है। इसके अलावा यदि दोनों सीजन में सिर्फ और सिर्फ धान का ही फसल लिया जा रहा है तो इसमें किसी विशेष प्रकार के कीट या बीमारी का प्रकोप बहुत अधिक देखने को मिलता है जो कि बीज जनित या मृदा जनित हो सकता है, क्योंकि लगातार धान बोने से कई वर्षों के बाद जो है एक ही प्रकार के बीमारी कीट का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है जैसे तना छेदक हो गया या ब्लास्ट एवं ब्लाइट। इसके अलावा धान कटाई के बाद गेहूं की बुआई सफलतापूर्वक की जा सकती है। गेहूं जो है दुनिया में सबसे अधिक उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। इसके भूमि के चुनाव के बारे में बात करें तो धान कटाई के तुरंत बाद जैसे ही खेत में अगर थोड़ी बहुत नमी रहती है तो 2 से 3 जुताई करके खेत में जो है पाटा लगा देना चाहिए, क्योंकि कम जुताई करने से खेत जो है ठीक से तैयार नहीं होता और गेहूं का अंकुरण कम होता है। यदि हमारे पास 3 से 4 सिंचाई करने के लिए पर्याप्त पानी है तो गेहूं की उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए धान कटाई के तुरंत बाद यदि ट्रैक्टर चलित जीरो टिल सीड ड्रिल द्वारा अगर बुआई किया जाए तो खेत में नमी जो है कम नहीं होता और गेहूं का अंकुरण भी बहुत अच्छा होता है। इससे खेत में अलग से जुताई करने का पैसा जो है बच जाता है। इसके अलावा सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के साथ साथ जल निकास की भी पर्याप्त व्यवस्था रहना चाहिए, क्योंकि सिंचाई के बाद 8 घंटे बाद भी खेत में पानी नहीं भरना चाहिए। इसके अलावा गेहूं की क्रांतिक अवस्था प्रत्येक 21 दिन बाद प्राप्त होती है।
और देर से बुआई करने पर 16 से 18 दिनों में यह क्रांतिक अवस्था आती है। इस समय गेहूं की सिंचाई अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। यदि सिंचाई की कम सुविधा है तो 30 दिनों में एक सिंचाई करनी चाहिए। यदि पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध है तो 21 दिन में सिंचाई करने से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा गेहूं की क्रांतिक अवस्था के बारे में बात करें तो ताज जड़ निकलने की अवस्था में और फुटाव के समय या बालियां भरने के समय, इसके अलावा पकने की अवस्था के जस्ट पहले सिंचाई बहुत ही आवश्यक होती है। गेहूं की बुआई नवंबर तक पूरी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा तीसरे फसल के बारे में बात करें तो चने की बुआई धान के कटाई के बाद सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके लिए भूमि चयन एवं तैयारी के बारे में बात करें तो चने की खेती हल्की से भारी भूमियों में की जाती है, किंतु कन्हार यानी काली मिट्टी में यह सबसे अधिक उपयुक्त होती है। धान की कटाई के बाद खेत में यदि नमी है तो जीरो टिल सीड ड्रिल से ट्रैक्टर की सहायता से चने की बुआई की जा सकती है। इससे खेत में उपलब्ध नमी कम नहीं होती है एवं बीज जो है अच्छी तरह अंकुरित होते हैं। इसके अलावा यदि खेत की जुताई करके बुआई करना है तो खेत की जुताई जो है देसी हल या ट्रैक्टर से किया जा सकता है, लेकिन बाद में पाटा चलाकर ढेला वगैरह तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि पाटा चलाने से खेत में नमी बनी रहती है। यदि खेत में दीमक या अन्य मृदा जनित कीट का प्रकोप है तो 1.5% क्लोरोपाइरीफास नामक चूर्ण का 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत के अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। चने की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच कर लेनी चाहिए। चने की सिंचाई के बारे में बात करें तो पहली सिंचाई बुआई के 30 दिन बाद और दूसरी सिंचाई बुआई के 60 दिन बाद करनी चाहिए। सिंचाई हल्की करनी चाहिए एवं चने में सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरे खेत में पानी बहाकर सिंचाई करने से उसमें जो है फसल को नुकसान होने की संभावना रहती है। और सबसे बेस्ट है यदि स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई किया जा रहा है तो यह बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा सीपेज यानी रिसाव पद्धति के द्वारा भी चने की सिंचाई की जा सकती है। इसके अलावा धान कटाई के बाद मसूर की खेती भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसकी खेती आमतौर पर समशीतोष्ण जलवायु में की जाती है, क्योंकि अत्यधिक ठंड एवं कोहरे होने की दशा में मसूर के फूल एवं फली जो है प्रभावित होते हैं। इसके भूमि एवं खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो मसूर की खेती जो है सभी प्रकार के भूमि में की जा सकती है, लेकिन डोरसा एवं कन्हार भूमि जो है अधिक उपयुक्त होती है। अच्छी पैदावार के लिए खेत में 2 से 3 बार गहरी जुताई करके पाटा चला देना चाहिए। इसके अलावा यदि गोबर की खाद उपलब्ध है तो अंतिम जुताई के समय दे देना चाहिए। इसके अलावा यदि मृदा जनित कीड़े या दीमक वगैरह का प्रकोप है तो 1.5% का क्लोरोपाइरीफास नामक चूर्ण को खेत के अंतिम जुताई के समय 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बिखेर देना चाहिए। इसके बुआई के समय के बारे में बात करें तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि अधिक विलंब से बुआई करने पर कीट व्याधि का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसके अलावा मसूर की बुआई उतेरा पद्धति से भी की जा सकती है, यानी फसल कटाई के लगभग 15 दिन पहले ही इसे मुख्य खेत में छिटक कर बोया जा सकता है। मसूर के सिंचाई के बारे में बात करें तो इसके पहले सिंचाई जो है शाखा निकलने के समय यानी लगभग बुआई के 30 दिन बाद सिंचाई करना चाहिए, वहीं दूसरी सिंचाई जो है लगभग 70 दिनों के बाद करनी चाहिए। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि पानी जो है अधिक नहीं देना चाहिए, स्प्रिंकलर से सिंचाई करना सबसे बेस्ट होता है। पानी की अधिकता होने पर फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पांचवें फसल के बारे में बात करें तो धान कटाई के बाद मटर की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके भूमि एवं तैयारी के बारे में बात करें तो इसकी खेती पड़ती भर्री या कन्हार भूमि के अलावा सिंचित डोरसा भूमि में भी दाल वाली मटर या बटरी की खेती आसानी से की जा सकती है। असिंचित अवस्था में अधिक जल धारण वाली कन्हार यानी काली भूमि जो है सबसे अधिक उपयुक्त होती है। सिंचित अवस्था में यह लगभग सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक मटर की खेती की जा सकती है। मटर के बुआई के बारे में बात करें तो इसे अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई कर लेना चाहिए। इसके अलावा इसे यदि कतारों में बोया जा रहा है तो यह अधिक उत्पादन देगा। इसमें पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर और कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। सिंचाई के बारे में बात करें तो मटर के फसल को कम से कम 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। मटर बुआई का एक लाभ यह भी होता है कि यदि यह पूरी तरह से पक्का नहीं है तो इसे सब्जी के रूप में भी यूज किया जा सकता है, नहीं तो इसे सुखाकर दाल के रूप में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन यह विभिन्न किस्मों के आधार पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा किसान भाइयों यदि अगले फसल के बारे में बात करें तो उड़द या मूंग की खेती भी धान कटाई के बाद सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी प्रकार के बीज को बुआई के पूर्व बीजोपचार करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए बुआई पूर्व बीजों को थायरम या कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशक का 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करना चाहिए।
तो इस प्रकार किसान भाई जो है धान कटाई के बाद धान के अलावा गेहूं, चना, मसूर, मटर, उड़द, मूंग आदि का खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के तिलहनी एवं सब्जी वर्गीय फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, जिसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो यह वीडियो